दोस्तों सोचिए, बिना बेहोश किए अगर कोई आपका ऑपरेशन करना शुरू कर दे तो आपको कितना दर्द होगा, या फिर आपके सामने कोई आपका हाथ पकड़कर उसे चाकू से काटे तो आपको कितना दर्द होगा, या फिर जब आप चल रहे हो तो आपके पैर की छोटी उंगली बेड या सोफे से टकरा जाए तो कितना दर्द होगा। शायद बहुत ज्यादा दर्द होगा, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ऑपरेशन में इंसान मर जाएगा, चाकू से हाथ काटते वक्त बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप चिल्लाते चिल्लाते दिन गुजार देंगे और छोटी उंगली का दर्द कुछ देर में ठीक हो जाएगा। पर यहाँ जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आखिर इंसान कितना दर्द सह सकता है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर साथ ही साथ आप भी हमें ये बताते चलें कि आपने कहां तक कितना दर्द बर्दाश्त किया है, माने आप में कितना जिगरा है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीवस गिम्पी, ये नाम सुनने में आपको बेहद अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बला है, ये असल में एक पौधा है, यानी एक पेड़ ही है, पर ये कोई आम पेड़ नहीं है बल्कि बेहद खतरनाक पेड़ है। ये पेड़ इतना खतरनाक है कि अगर गलती से भी आपने इसे छू लिया तो आपको इतना दर्द होगा कि आपको उतनी देर के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सलाह तो यही है कि गलती से भी इसे छूने की गलती मत करना, नहीं तो क्या होगा ये अब आपको पता ही है। अब अगला सवाल जो आता है वो ये है कि ये मिलता कहाँ है, माने कहाँ नहीं जाना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये पौधा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलता है और इस पौधे के पत्ते दिल के आकार के होते हैं, लेकिन फिर इन दिल के आकार को देखकर इन पर फिदा नहीं होना है क्योंकि इसके दिल वाले पत्तों पर कांटे होते हैं और इन कांटों में मौजूद होता है न्यूरोटॉक्सिन जो कि बेहद खतरनाक होता है। और अगर ये न्यूरोटॉक्सिन आपके शरीर में आ जाए, यानी आपको ये कांटा जरा भी चुभ जाए, तो आपको बेइंतहा दर्द और जलन होगी। सबसे खतरनाक चीज तो यह है कि इसका दर्द एक दो या तीन दिन नहीं रहता बल्कि कई बार इसका दर्द कई साल तक रहता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार जलन को तो हम पानी या कोलगेट से निपटा देंगे तो जरा रुको, अगर आप ये गलती करते हैं यानी कि आप ठंडा पानी इस पर डाल देते हैं तो आपका दर्द और जलन कई गुना बढ़ जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि 2-3 साल तक आपका नहाना धोना बंद। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कभी कोई इंसान ऐसा हुआ है जिसने ये दर्शाया, तो दोस्तों एक इंसान ऐसा है, उसका नाम है अर्नी राइडर। राइडर ने बताया कि एक बार गलती से ये पत्ता उनके सीने से लग गया और तब उन्हें इतना दर्द हो रहा था मानो कोई उनके सीने से दिल निकाल रहा हो, और अगले 2-3 दिन उनके ऐसे कटे जैसे मानो कि वो दुनिया में नहीं बल्कि जहन्नुम में हो। वो दर्द से बेहाल थे, उनका खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ बेहाल था। जब वो ठंडा पानी पीते थे तो ऐसा लगता था कि बस अब सीना फट ही जाएगा या जलकर खाक हो जाएगा। ये दर्द उन्होंने पूरे 2 साल तक झेला था। तो अगर आपको भी कभी इस तरह का पौधा दिखाई दे तो आपको करना ये है कि आप इससे जितना हो सके उतना ही दूर रहना। इसलिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो भेज दीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल जाए। टैरेंटुला हॉक वैस्प, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो एक मधुमक्खी है तो जरा रुको, टैरेंटुला हॉक जिसका नाम है ये कोई आम मधुमक्खी नहीं बल्कि अपने आप में एक बीस्ट है। ये अपने शिकार को मारने से पहले उसे डंक मारकर पैरालाइज कर देती है, फिर आराम से उसे अपने खाने की टेबल पर लगाती है। ये सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि दुष्ट भी होते हैं। असल में ये अपने अंडे देने के लिए किसी घोंसले का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मकड़ी के शरीर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मकड़ी के शरीर में अपने अंडे देते हैं और जब उन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो मकड़ी मर जाती है। ये बस खुद 5 से 6 इंच लंबे होते हैं और इनका डंक 7 मिलीमीटर तक लंबा होता है, यानी कि आम ततैयों से 2 गुना बड़ा डंक। और अगर इस वैस्प ने ये डंक आपको मार दिया तो आपको इतनी तेज दर्द होगा जितना कि आपको तब हो जब कोई हॉकी स्टिक को पूरी ताकत से आपके घुटने पर मारे। ये छोटा सा बीस इतना खतरनाक है कि जस्टिन शिमिट, जिन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा इंसेक्ट्स के काटने के दर्द को सहा है, इसने उनके भी होश उड़ा दिए। स्टोन, अब यहाँ हम पत्थर मारने की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे होता तो वो भी काफी दर्दनाक है अगर सही से और सही जगह पर पड़े। खैर हम अपने स्टोन पर आते हैं। मान लो आप बाथरूम में हैं और आपको बाथरूम जाते वक्त बेंता दर्द का एहसास होता है और दर्द से कराने लगे और तभी अचानक आप देखें कि आपके पेशाब के साथ पत्थर भी आ गया तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आएगा और आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ये सुनने में शायद अजीब लगे पर आज 10 में से 1 इंसान को ये दिक्कत है। असल में ये दर्द होता है किडनी स्टोन की वजह से। होता यह कि जब आप प्रॉपर पानी नहीं पीते तो सबसे पहले तो आपके पेशाब का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है और आपकी किडनी में मौजूद कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स सही से पच नहीं पाते और ये मिनरल्स फिर आपकी किडनी में जमा होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये जमा होते मिनरल्स थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं और ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बहुत तेज दर्द देना शुरू कर देते हैं। अब कई ऐसे केस होते हैं जिनमें ये स्टोन आपके यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं, पर कई केस ऐसे भी होते हैं जहां पर ये स्टोन आपकी यूरिन की नली में फंस जाते हैं जिससे होता है बेइंतहा दर्द। असल में होता यह है कि जब आपकी यूरिन की नली में स्टोन फंस जाते हैं तो आपका यूरिन फ्लो बिगड़ जाता है और आपकी किडनी में सूजन बढ़ जाती है और आपको ऐसे फील होने लगता है कि जैसे कोई लोहे की गर्म रॉड से आपका सीना पीट रहा है।
अब आप एक बार ये सोचिए कि जब एक या दो स्टोन इतना दर्द देते हैं तो फिर अगर किसी इंसान के शरीर में लाखों स्टोन्स हों तो उसका क्या हाल होगा। जी हाँ, इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी गुजरा जिसके शरीर में 172,000 से भी ज्यादा किडनी स्टोन्स निकले थे। इस शख्स का नाम था धनराज वडेले। इतने सारे स्टोन्स की वजह से उनका खाने पीने से लेकर काम पर जाना तक सब कुछ बंद हो गया था, और ये लाजमी भी था क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस इंसान के शरीर में इतने सारे स्टोन्स होंगे उसकी हालत क्या होगी। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते उनकी सर्जरी हो गई और उसके शरीर से सारे स्टोन्स को बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। वैसे ये भी अपने आप में एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपकी जान भी ले सकता है। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको करना यह है कि रोजाना सही अमाउंट में पानी पीना है। माने अगर रोजाना कम से कम 3 लीटर यानी 8 से 9 गिलास पानी पिया जाए और शारीरिक तौर पर एक्टिव रहें तो किडनी की पथरी की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। इसलिए पानी इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। पथरी बनने की प्रक्रिया में वक्त लगता है और अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिया जाए तो पथरी बड़ी होने से पहले ही अपने आप ही पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। ये बात सभी को बता दीजिए और वीडियो सबको भेज दीजिए ताकि आप और आपके दोस्त कम से कम इससे बचे रहें। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। गाउट। वैसे आजकल भारत में जोड़ों का दर्द आम बात है, और जब भी जोड़ों के दर्द की बात आती है तो हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है अर्थराइटिस, जो ज्यादातर उम्र दराज लोगों में ही देखा जाता है। और ये बीमारी भी काफी दर्द देती है। मसलन इस बीमारी में इंसान का चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। लेकिन आज जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो इससे भी कहीं आगे है। वैसे तो ये भी अर्थराइटिस का ही एक टाइप है, लेकिन दर्द के मामले में ये उसका भी बाप है। ये ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से होता है, और फिर ये आपकी हड्डियों के जोड़ों में बहुत तेज दर्द करता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि ये 20 से 60 साल तक के किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। इस बीमारी में पैर के अंगूठे में सूजन आ जाती है और पैर लाल हो जाता है। सूजन और दर्द की वजह से इंसान का चलना फिरना बंद हो जाता है क्योंकि उसका पैर थोड़ा भी वजन सहन नहीं कर पाता। माने अगर आपने इस बीमारी में चलते अपने पैर पर थोड़ा सा भी वजन डालने की कोशिश की तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई धारदार चीज आपके पैर में छुप रही हो। हालत ये हो जाती है कि आपके पैर पर थोड़ी सी ठंडी हवा भी जानलेवा दर्द का एहसास देकर जाती है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर में यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे दर्द जो इंसान को मौत भले ही ना दें पर मौत का एहसास जीते जी ही देकर चले जाते हैं। लिस्ट में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो कमेंट में बताएं ताकि ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं। साथ ही कमेंट में इस वीडियो का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।